नेपेर घास में किसान भाइयों बहुत सारी अलग अलग वैरायटी रहती है, तो जो दूसरे नेपेर होते हैं उसको लगाने का सिस्टम अलग है और जो इंडोनेशियन बाहुबली ग्रास है इसका सिस्टम अलग है। आज के वीडियो में मैंने जो लगाने का विधि बताया है किसान भाइयों आपको, ये सिर्फ इस नेपेर ग्रास के लिए ये अलाउड करता है, बाकी नेपेर ग्रास आपको लगाना होगा तो हमारे चैनल पर जाइए, दूसरे वाले वीडियो देखिए। ये आज का वीडियो किसान भाइयों, ये सिर्फ जो बाहुबली स्टिक है इसी का ही मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों। यहाँ पर हमने एक स्टिक लगाया किसान भाइयों क्यारी के, तो ये जो क्यारी की साइड है नेक्स्ट स्टिक हमें यही लगवाना है, आप देख सकते। तो नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, की हाल चाल। तो किसान भाइयों, एच गोट फार्म एंड सीड सीड्स यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इंडोनेशियन नेपेर घास है, आउट ऑफ कंट्री का नेपेर घास है, वो किस तरह से लगवाना है, इसको अपने जमीन में किस तरह से बोया जाता है, बहुत सारे किसानों के सवाल थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले किसान भाइयों, जो इंडोनेशियन नेपेर घास है वो किस तरह से लगवाया जाता है, मैं पूरा लाइव डेमो के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि आज के वीडियो में ये नेपेर घास की लागत किस तरह से की जाती है। किसान भाइयों, जब हमें ये स्टिक अपने खेत में लगाना है, लगाने के पहले हमें क्या करना है किसान भाइयों, जो इंडोनेशियन बाहुबली की जो स्टिक है किसान भाइयों, ये स्टिक को हमें क्या करना है, तो हमें स्टिक को क्या करना है, तो इसे जर्मिनेटर में कुछ प्रोसीजर करना है, तो मैं आपको ये बताता हूँ। तो जर्मिनेटर से प्रोसीजर करने से क्या होता है किसान भाइयों, जो ये स्टिक हम जमीन में लगाएंगे तो इसका फुटाव अच्छा सा होगा, इसका जर्मिनेशन 80-90% तक होगा, जैसे कि कुछ फैल जाने की संभावना नहीं होती। तो मार्केट में जर्मिनेटर आपको इजीली मिल जाता है, आप कौन सा भी जर्मिनेटर ले सकते हो, मेरे पास नेट सर्कट स्टीम रिच नाम करके जर्मिनेटर मैं यूज़ कर रहा हूँ किसान भाइयों। तो क्या करना है, हमने ऐसी स्टिक कट की है, स्टिक का पार्सल आपके पास आता है, तो हमें क्या करना है, इस जर्मिनेटर में ये स्टिक डाल देना है और किसान भाइयों 10 मिनट तक ये स्टिक हमें जर्मिनेटर कर भिजवा के रखना है। 10 मिनट तक कहीं इसमें हम ऐसे स्टिक भिजा कर रखेंगे किसान भाइयों, तो उसके बाद में ये स्टिक निकल कर हमें लगाना है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों, इसकी जो प्रमाण रहता है, इसकी जो मात्रा रहती है, किसान भाइयों 10 लीटर पानी हमें लेना है। 10 लीटर पानी लेने के बाद हमें क्या करना है, 20 ml ये जर्मिनेटर जो होता है इस पानी में हमें डाल लेना है। पानी में डाल लेने के बाद इसमें हमें ये स्टिक डालना है किसान भाइयों। स्टिक डालने के बाद 10 मिनट तक ये स्टिक हमको पानी में भिगा के रखना है। 10 मिनट के बाद किसान भाइयों हमें क्या करना है, ये स्टिक निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद ये स्टिक लगवाने के लिए हमारे पास रेडी हो गई है। तो इसको लगाने के लिए जमीन की तैयारी क्या करनी है वो भी मैं आपको एकदम लाइव में दिखाता हूँ किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, हमें लगवाने से पहले जो हमारा जो क्यारी है किसान भाइयों, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्यारी तैयार किया है। तो ये दोनों क्यारी का अंतर हमें 3 फीट रखना है और जो बाहुबली ग्रास है हमें 3x3 पर लगवाना है। तो 3x3 पर हमें कैसा लगवाना है मैं आपको दिखाता हूँ किसान भाइयों। तो आप देख सकते हो मैंने आपको यहाँ पर क्यारी दिखाया है और जो स्टिक टू स्टिक अंतर हमें रखना है किसान भाई, जो हम स्टिक लगवाने वाले उन दोनों का अंतर हमें 3 फीट का रखना है। तो इसलिए हमने 3 फीट का यहाँ पर दंडी काठी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर एक स्टिक हमने लगाया है, यहाँ पर लगाने के बाद अगला हम 3 फीट का यहाँ पर अंतर माप लेते हैं। तो क्या होता है किसान भाइयों, हमने यहाँ पर एक स्टिक लगाया है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 फीट का अंतर हमें यहाँ पर मिलता है। तो स्टिक लगाने से पहले किसान भाइयों हमें क्या करना है, तो जो ये आज का वीडियो किसान भाइयों, ये सिर्फ जो बाहुबली स्टिक है इसी का ही मैं बता रहा हूँ किसान भाइयों। स्टिक लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें मिट्टी के अंदर ये स्टिक डालना है। तो आप देख सकते हो किसान भाइयों, ये स्टिक हो गया, यहाँ पर हमें स्टिक डालना है, ऊपर से थोड़ा सा हमको यहाँ पर मिट्टी डालना है। तो क्या होता है कभी कभी किसान लोग क्या करते हैं, ये स्टिक बहुत जमीन के अंदर घुसा देते हैं, तो जमीन के अंदर हमें ये घुसाना नहीं है। तो यहाँ पर हमने एक स्टिक लगाया किसान भाइयों क्यारी के, तो ये जो क्यारी की साइड है नेक्स्ट स्टिक हमें यही लगवाना है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक स्टिक लगवाया है। तो क्या करना है, इस साइड पर हमें स्टिक लगवाना नहीं है, ये साइड लगाया तो ये साइड लगाया तो ये 3 फीट अंतर हो जाता है किसान भाइयों। और यहाँ पर का 3 फीट अंतर यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा, यहाँ पर 3 फीट अंतर हमने निकाला है। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो बाहुबली ग्रास है किसान भाइयों आउट ऑफ कंट्री का, उसे किस तरह से लगाया जाता है ये पूरी लाइव में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है। 3 फीट क्यारी करना है, 3x3 पर इसका हमें लगाना है।
तो किसान भाइयों लगाने के बाद ये ग्रास कितने दिन में जमीन से निकलता है, फर्स्ट कटाव कितने दिन में आता है, सेकंड कटाव कितने दिन में आता है, ये सारे चीजें किसान भाइयों मैं आपको लाइव तौर पर दिखाता रहूंगा। तो किसान भाइयों एक्चुअली आप मेरे पूरे वीडियो देखते होंगे, तो सारे वीडियो मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। तो नेपियर घास में किसान भाइयों बहुत सारी अलग अलग वैरायटी रहती है, तो जो दूसरे नेपियर होते हैं उसको लगाने का सिस्टम अलग है, और जो इंडोनेशियन बाहुबली ग्रास है इसका सिस्टम अलग है। आज के वीडियो में मैंने जो लगाने का विधि बताया है किसान भाइयों आपको, ये सिर्फ इस नेपियर ग्रास के लिए ये अलाउड करता है, बाकी नेपियर ग्रास आपको लगाना होगा तो हमारे चैनल पर जाइए, दूसरे वाले वीडियो देखिए। तो जल्दी मिलते हैं किसान भाइयों ऐसे एक और नए वीडियो में, ताकि इसका जर्मिनेशन कैसा होता है, क्या होता है, इसके ऊपर हम जल्दी वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए किसान भाई हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, इससे क्या होगा कि ऐसे ही चारा संबंधित खेती संबंधित मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो तब तक के लिए किसान भाई जय जवान जय किसान।